और यही वजह है भाव कि कांग्रेस में भीतर ही भीतर एक घबराहट है। जब ममता बनर्जी दिल्ली में पांव रखने वाली थी, उससे पहले राहुल गांधी को एक ड्रामा करना पड़ा, ट्रैक्टर पर सवार हो गए ताकि मीडिया का अट्रैक्शन जो है वो उनकी तरफ हो जाए, ममता बनर्जी पर उतना फोकस ना करे मीडिया। हाँ वो तो क्या है, उनको भी ध्यानाकर्षण करने के लिए राहुल गांधी रोज कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब शायद उनका कुत्ता जो है पिड्डी, वो तो ट्विटर चलाता है ना उनका, उन्होंने ही खुद बोला था कि उनका ट्विटर कौन चलाता है। वो शायद बीमार होगा पिड्डी, इसलिए उन्होंने खुद मैदान में आकर खुद का कुछ ड्रामा खड़ा कर दिया, वरना तो वो ट्विटर पर हमेशा रहते हैं। मुझे लगता है कि पिड्डी बीमार है, इसलिए राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठ गए। नहीं तो ममता के सामने वो खड़े भी नहीं हो सकते, उनको भी मालूम है, ममता को भी मालूम है। और ममता ने एक्शन में बता दिया कि इनको तो मैं लीडर नहीं मानती। तो मीडिया देखो, मीडिया विजुअल मीडिया अभी पावरफुल हो गया है, तो जी जी विजुअल मीडिया में ममता बार 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 दिखेगी, इसलिए उन्होंने वो ट्रैक्टर का नाटक किया। वो ज्यादा चलने वाला भी नहीं था, तो वो 2 दिन में खत्म हो गया। और फिर भाव ममता जी ममता भी घूमी इतने, अभी देखो ममता मोदी सोनिया से मिलने गई, केजरीवाल उनसे मिलने गए, फिर ये किसी और गडकरी से मिलने गई वगैरह। तो उनको मालूम था कि दिल्ली में वो 2 महीने बाद आई है, जीत कर आई है, तो फोकस उन पर रहेगा, उससे राहुल गांधी को डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं। परदेसियों को किस दिन है जाना, वो गाना है ना, ऐसी बात है। उसको तो जी 4-5 दिन बाद जाना था, फिर तुम्हारा पिद्दी जोर से चलने वाला है। तो राहुल गांधी इससे क्यों गड़बड़ा गए, मेरी समझ में नहीं। और भाव एक बात समझ में नहीं आई कि वो विपक्षी दलों के नेताओं से मिलना उनके एजेंडे में था। शरद पवार दिल्ली में ही थे, शरद पवार उनसे क्यों नहीं मिले? या दूसरी दलों के जितने भी ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जिनके अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से मुकाबले होते हैं, और जाहिर है ममता बनर्जी शरद पवार पर्दे के पीछे से कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे दलों को साथ जोड़ा जाए जो यूपीए का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो ऐसे दलों के ना तो शीर्ष नेता ममता बनर्जी से मिले, ना उन्होंने अपने दल के किसी नेता को ही उनसे मिलने के लिए भेजा। ये ममता के लिए एक झटका है। बिल्कुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने भाषण किया था, दिल्ली के बड़े बड़े कुछ पार्टियों के नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए थे वो स्क्रीन पर देखने के लिए। तब उन्होंने बोला था कि मैं आ रही हूँ दिल्ली में, तो अपोजिशन के यूनिटी की तैयारियां पवार साहब दिग्गी राजा वगैरह करें, ऐसा उनका कुछ जी आह्वान जी था। लेकिन वो दिल्ली में आए, मेरा ख्याल है 5वें दिन लास्ट वापस जाने के पहले वो पवार साहब से मिली भी, लेकिन पहले 5 दिन उन्होंने पवार साहब की खबर बात भी नहीं ली। मैंने असल में उसमें उस पर वीडियो बनाया है कि जी ममता, उसका हेडिंग ही मैंने ऐसा दिया, ममता दीदी का कारवा चलता गया और पवार देखते रहे, ममता दीदी का कारवा गुजर गया पवार देखते रहे, ऐसे वीडियो मैंने बनाया, शाम को डाल दूंगा, हिंदी में जी छोटा जी सा एक बनाया। तो पवार साहब नहीं गए क्योंकि उनको मालूम था ये खुद बनना चाहती है। अब जी दोनों इकट्ठा कैसे आए, मुझे मुझे वो एक एड आज याद आती है, बहुत 4-5 साल से चल रही है। वो दो भाई होते हैं, वो भाइयों ने घर का बंटवारा किया है, बीच में दीवार है, और फिर एक दिन जी बोले छोटू भैया तोड़ दो ये दीवार, और सब करते हैं, दीवार टूटती नहीं है, जी जी दीवार जी टूटती नहीं है। फिर कोई लाके जिलेटिन लगा देता है, धमाका कर देता है, तो उसका ही मुंह काला हो जाता है, और फिर बोलता है भैया ये दीवार गिरती क्यों नहीं, फिर आवाज आकाशवाणी होती है, गिरेगी कैसे, ये तो अंबुजा सीमेंट से बनी है। तो ये अपोजिशन पार्टियों की जो दीवारें हैं बीच बीच की, वो अंबुजा सीमेंट से बनी है, अगर पहले वो तोड़ दो फिर 2024 की बात करो, इकट्ठा आने की बात करो, लेकिन ये अंबुजा सीमेंट की दीवार तोड़ ही नहीं पा रहे। जी मुझे जी वो याद आती है, जब जब ये गठबंधन की बातें आती है,
तो मुझे वो याद आती है, भैया ये दीवार क्यों टूटती नहीं। तो ये अपने अहंकार की जो दीवारें है वो अगर तोड़ नहीं पाएगा तो इकट्ठे कैसे हैं। सीमेंट की दीवार तो टूट सकती है, अहंकार की दीवार कैसे टूटे।